अस्सलाम वालेकुम, मैं मीरब सैलून से। आज मैं आपके लिए एक रेमेडी, मैं आज कोई नहीं लेकर आई हूँ। क्यों, अक्सर लोग कहते हैं कि भाई हमसे नहीं होती हैं ये रेमेडीज़, हमसे नहीं बनती हैं, हमें तो कोई ऐसी चीज़ बता दो जो तैयार हो, हम बस लें, यूज़ कर लें और फटाफट अपना जो भी काम करना है उसको क्लियर कर लें। तो वो लोग अपनी स्किन की कैसे केयर रख सकते हैं? वैसे तो जो हर्बल रेमेडीज़ हैं वो बहुत बेस्ट रहती हैं, आपको ना सिर्फ आपकी स्किन क्लीन हो रही है, उनको प्रोटीन भी मिल रहा होता है उनकी हेल्प से। एनीवे, जो लोग, जिन लोगों के पास टाइम नहीं है, जो जॉब करने वाली लेडीज़ हैं या कॉलेज यूनिवर्सिटीज जाने वाली बच्ची हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है, तो ये मैं उनके लिए लेके आई हूँ कि अपनी स्किन को कैसे ठीक रख सकते हैं। उसके लिए हमें डेली रूटीन, हफ्ते में एक मरतबा डेली रूटीन पर भी मैं बताऊंगी वो क्या करें, और वीकली भी वो क्या करें जिससे उनकी स्किन बेहतर रहे। क्योंकि आजकल जब हम बाहर निकलते हैं बहुत ही पोल्यूशन है, मिट्टी है, डस्ट है, धूप है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है ना नुकसान पहुंचाती हैं। तो उसमें आप क्या कर सकती हैं, आपने वीक में एक दिन, जैसे हमारा सैटरडे संडे जो होता है हमारा रिलैक्सिंग का दिन होता है, तो सैटरडे की नाइट आप अपनी फिक्स कर लें कि हमने खुद को सैटरडे की नाइट देनी है। उसमें आप क्या करेंगी, सबसे पहले आप करेंगी क्लेंजिंग। क्लेंजिंग आप सबसे पहले कर लें। क्लेंजिंग करने के बाद जो है आप क्लेंजिंग, जो आजकल गर्मियां चल रही है, हमने क्लेंजिंग मिल्क से क्लेंजिंग नहीं करनी है, हमने क्लेंजिंग क्रीम के साथ क्लेंजिंग करनी है। अब जैसे ये मेरे पास है, ये क्लेंजर जेल है, ये ऑयली ड्राई स्किन दोनों के लिए बेस्ट है, ऑयली स्किन के लिए तो ये बहुत बेस्ट है। क्लेंजिंग कर ली, जब हमने दो से तीन मिनट से ज़्यादा हमने क्लेंजिंग नहीं करनी है, क्योंकि जो मैल और डस्ट हम बाहर निकाल रहे हैं, अगर हम मसाज ज़्यादा देंगे तो वापस इसी प्रोडक्ट्स के साथ वापस स्किन के अंदर पेनिट्रेट होने लग जाएगी। तो सिर्फ जस्ट पूरे स्किन के ऊपर आप अच्छी तरह क्लेंजर जो है वो आप अपनी स्किन के हिसाब से यूज़ करें। जो भी जिसकी, जैसे ऑयली स्किन है वो अपनी स्किन के हिसाब से, ड्राई स्किन वाले अपनी स्किन के हिसाब से। मैंने अपने चैनल के ऊपर वीडियो डाली हुई है कि जिसके अंदर मैंने बताया है कि कौन सी स्किन वाले कौन सा क्लेंजर यूज़ कर सकती हैं। मैं आई बटन में उसका लिंक दे दूँगी, तो आई बटन से आप उस वीडियो को देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूँगी। अब ये तो हो गया आपका क्लेंजर, क्लेंजिंग कर ली। अब हम करेंगे एक्सफोलिएट अपनी स्किन को, जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि अगर हम एक्सफोलिएट नहीं करते हैं, अपने पोर्स को क्लीन नहीं करते हैं, डीप क्लेंजिंग नहीं करते हैं, तो उसके अंदर हमारे जो है ब्लैक हेड्स, वाइट हेड, पहले वाइट हेड्स बनते हैं, जो वो हमारे पोर्स होते हैं उनके अंदर मैल और डस्ट फंसता है, और वही हमारे ब्लैक हेड और वाइट हेड की शक्ल में आते हैं। तो जब हम उनको क्लीन करेंगे तो हमारी स्किन भी रिलैक्स रहेगी, एक्स्ट्रा ऑयल नहीं प्रोड्यूस करेगी, और ब्लैक हेड और वाइट हेड्स भी नहीं बनेंगे। अब एक्सफोलिएट के लिए हम जो है, जो हम फेशियल्स में स्क्रब यूज़ करते हैं, वो हम स्क्रब नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वो एक्सपर्ट्स ही यूज़ करें तो ज़्यादा बेहतर रहता है। हम लोगों को घरों में इतना अंदाज़ा नहीं होता कि हमने कितना प्रेशर रखना है। तो ये जो है स्किन पॉलिश, ये भी एक स्क्रब है, ये बहुत माइल्ड स्क्रब होता है, ये क्रीमी फॉर्म में होता है और बहुत जेंटल और बारीक इसमें दाना होता है, बिल्कुल हल्के हाथ के साथ, जैसे हम हवा में हाथ चला रहे हैं, इसको लेकर आप हल्के हाथ से इस तरह से मसाज करें, जैसे आप किसी को प्यार कर रहे हैं, सुधा रहे हैं। हमारी स्किन भी तो हमारी इतनी लाडली है ना, तो हमें उसे प्यार से क्लीन करना है। तो इसके साथ आप, हम एक्सफोलिएट करेंगे अपनी स्किन को, 2 से 3 मिनट आप इसके साथ मसाज करें, और सिंपल पानी के साथ आप वॉश कर दें। ड्राई स्किन वाले ये करें कि आप इसको मसाज करने के लिए पानी की हेल्प लेने के बजाय थोड़ा सा शाइनर ले लें, उसको लगाकर उसके साथ मसाज करें, तो ज़्यादा अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, स्किन में ग्लो आएगा। ये हो गई हमारी क्लेंजिंग, हो गई हमारी स्क्रबिंग, हो गई। अब हमने कर लिया पोर्स को क्लींस कर लिया, और हमने पोर्स को नीट कर लिया, तो अब हमने पोर्स को क्लोज करना है। उसके लिए हमें अच्छा मास्क चाहिए, जो भी आपके स्किन को सूट करे, जो भी आपके स्किन के लिए है वो मास्क। मास्क आपको पता है बहुत तरह के आ गए हैं, शीट मास्क आ गए हैं, क्रीमी मास्क आ गए हैं, हर्बल है, मड मास्क है, मिनरल मास्क है, तो जो आपकी स्किन को सूट करता है आप वो यूज़ करें। जिनकी स्किन बहुत गर्म है, सेंसिटिव है, वो मिनरल यूज़ कर लें, और जिनकी ऑयली स्किन है वो मड मास्क वैसे भी सब स्किन को सूट करता है। जो ऑयल ड्राई स्किन वाले हैं उसमें दूध डाल के लगा लेंगे तो उनके लिए बेस्ट है, और जो ऑयली स्किन वाले हैं वो गुलाब का अर्क डाल के यूज़ कर लेंगे तो वो उनके लिए बेस्ट है। ये सारे स्टेप्स, इन सारे स्टेप्स के अंदर आपने टोनर लाजमी करना है। गर्मियां हैं, टोनर बहुत मस्ट है हमारी स्किन के लिए,
टोनर करके फिर आपने मास्क अप्लाई कर लेना है। मास्क को आपने 15 मिनट लाजमी दिया करें, 15 मिनट के बाद आप वॉश किया करें, इसका भी टाइम बहुत मस्त है। ये आपका हो गया वीक के आप पूरे वीक में क्या करेंगे। अब हम डेली किस तरह से अपनी स्किन को नीट करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। हाँ जी, डेली रूटीन के लिए आपको सबसे पहले करनी है अपनी क्लिनजिंग, आपने करना है CTM, जो डेली हमें चाहिए। CTM से अब सब लोग वाकिफ़ हैं, नेट पर इतना ज़्यादा CTM के मुतालिक दिया जाता है कि अब मेरे ख्याल में हर आदमी जानता है CTM को। CTM में क्या है, सी फॉर क्लिनजिंग, टी फॉर टॉनिंग। CTM हम अपना डेली करेंगे, एम फॉर मॉइस्चराइजर, और उसके बाद हम टोनिंग करेंगे। गर्मियों के अंदर ना टोनर जो है, टोनर्स जो मार्केट बेस के हैं वो कुछ को सूट करते हैं, कुछ को नहीं करते हैं। तो मैं तो बेहतरीन टोनर कहती हूँ गुलाब के अर्क को। अब ये देखिए, मैंने शावर बॉटल के अंदर गुलाब का अर्क करके रखा है, इसको मैं थोड़ी थोड़ी देर में जो है ना इस तरह से अपने स्किन के ऊपर शावर कर लेती हूँ। तो ये मेरा बेहतरीन टोनर है और बेहतरीन सनब्लॉक है आपका। ये टोनिंग की आपने, टोनिंग करने के बाद जो है आपने मॉइस्चराइजिंग करनी है। जो मैं नॉर्मल, हमेशा एक नॉर्मल ब्रांड का दिखाया है आप लोगों को, ताकि बहुत ज़्यादा जो अच्छा ब्रांड यूज़ करते हैं वो जो है नेट्रोजीना में यूज़ कर सक। मॉइस्चराइजिंग जो है मैं जॉनसन्स वालों की बताती हूँ, ये आपको पता है बच्चों का ब्रांड है, इसमें केमिकल्स नहीं होते। या जो लोग परचेज़ कर सकते हैं वो नेट्रोजीना में मॉइस्चराइज़र परचेज़ करें, उनके बहुत ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़र क्रीम है। ऑयली स्किन के लिए अलग है, ड्राई स्किन के लिए अलग है, नॉर्मल स्किन के लिए अलग है। तो अब मेरा सिर्फ ये क्लेंजिंग करें, टोनिंग करें और मॉइस्चराइजिंग कर लें। और जो लोग जेल मॉइस्चराइज़र बहुत कॉस्टली होते हैं नहीं ले सकते, तो हमें सिर्फ क्या करना है, गर्मियों में स्किन को अपनी हाइड्रेट रखना है, तो हम ये भी ले सकते हैं। ये जो है नरिशिंग क्रीम है, नेक्स्टोन की नरिशिंग क्रीम है, इसके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे हैं। आप ये भी मॉइस्चराइज़र की जगह ये भी यूज़ कर सकते हैं गर्मियों में, तो ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ हो जाएगी। ये तीनों चीज़ें हो गई। और फिर आपने इसके अलावा क्या करना है, जब भी आपने घर से बाहर निकल, सुबह को आपने ये तीनों चीज़ें की, उसके बाद आपने सन ब्लॉक मस्ट लगाना है। सन ब्लॉक आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नरिशिंग क्रीम के बाद 10 मिनट का स्ट्रे दें, उसके बाद आपने सन ब्लॉक यूज़ करना है। ये सन ब्लॉक मुझे बहुत पसंद है, एक तो बहुत मुनासिब रेट में, प्राइस पे मिल जाएगा आपको, और इसमें स्वेटिंग नहीं होती है ये लगाने के बाद, ना ही एक्स्ट्रा ऑयल आता है और ना ही आपका कलर, बल्कि इसको रेगुलर लगाने से आपका कलर में भी बेहतरी आती है। आप कितनी ही धूप में क्यों ना चले जाएं, आपका कलर नहीं डल पड़ेगा। इसमें 60 SPF है, ये आपको UV रे से बताएगा। ना सिर्फ आप बाहर निकलते हुए, किचन में भी जाने से पहले आप सनब्लॉक लाजमी लगाया करें। आप मेरी इस रूटीन पर चलकर देखें, आप देखिएगा आपकी स्किन अच्छी से अच्छी और बेहतर से बेहतर हो जाएगी। और अगर कोई ये क्रीम्स नहीं लगाना चाहता है तो वो सीरम्स भी यूज़ कर सकता है। अब तो हाइड्रेटिंग सीरम्स आ गए हैं जो आपकी स्किन को ऑयल नहीं प्रोड्यूस करते और आपकी स्किन को बहुत अच्छे रखते हैं। ये तो हो गई आपकी डेली की रूटीन। ईद तक अपना खूब सारा ख्याल रखें और मज़े करें, अपनी स्किन का ख्याल रखें और इसके साथ साथ हेल्दी खाएँ। मैं अब इजाज़त चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज़।